स्वागत है किसान वीरो अपने यूट्यूब चैनल ढिलो डेयरी फार्म बरनाला के वीडियो में अपने घरों कवर करता मैं पिंड दीपगढ़ जिला बरनाला अपना एड्रैस आ अज आप अपने दिखाने घर के जानवर बस अपने को सिर्फ तीन नागा हाँ तो अपनी जी आप वीडियो बनाने का मकसद अज जी आप माझ की चवाई करके दिखाने पे हैं ये अज नौ सॉरी तीन महीने सून बाकी रह गए 9 दसंबर ये दिन पूरे आ अज 1 तरीक हो चुकी आ 3 महीने तो 9 दिन सून च बाकी रह गए तो दुध इस वक्त ये थले 4.5-5 किलो के बच्चे दुध है एक टाइम चवाई करते पे होना पाई इन हो गया लगभग महीने तो उपर 1.5 महीना हो गया एक टाइम पाई तो क्योंकि हूँ बार ड्राई होने की कदार के बहुत चंगा इन्हें मैंने अपना दुध जोड़िया पहले 17 किलो तक दुध जोड़िया करे आप ताजी का तो मेन खासियत यही सी कि सून तो 1 महीने के बच्चे इस 27वें-26वें दिन गब्बड़ हो गई सी तो गब्बड़ करवाई आप पेस्टल सां तो नीली रावी तो नीली रावी तो गब्बड़ आप करवाई है क्योंकि कद कट बहुत चंगा है आम तौर पर आप देखते हैं नीली रावी पशु थोड़े मधरी कोडी जाते हैं जेकर आप मोहरा नाल अपनी मैच क्रॉस होगी तो अपन उम्मीद है भी कद कट खैर चंगा आजूगा तो बाकी आप दुध वाले करैक्टर देखने क्योंकि पेस्टल सां का बैकग्राउंड बहुत चंगा है तो उस तो आप गब्बड़ कराई हैगी तो मझ का दुध 17 किलो तो बार बार अपना चवाई ताजी की हुई हैगी तो 3 महीने तो सही 9 दिन सून च बाकी आ मेरे हिसाब न घट तो घट भी यह सारा 1 महीना ले जो ड्राई होंगी होंगी सिर्फ 2 महीने का गैप पेगा अपन दुध का क्योंकि आप चंगा पशु दुधला परचेस कर लें कई बार आप नॉर्मल पशु खरीदते हैं भी आप छोटे भाव का पशु खरीदना 60-70 वाला तो वो अपन की परेशानी होंगी कि 5 तो 4 महीने बाद मझ अपन दुबारे फिर एक्सचेंज करनी पैंती है बदली करनी पैंती है तो दुबारे आप कीमत फिर उन्नी लग जाती है क्योंकि एक बार जो आप चंगा पशु खरीद लीए तो वो यह है गल भी आपको मझ अदला बदली नहीं करनी पैंती हुण मैनू ये देखो भी सिर्फ 2 महीने या 2.5 महीने आपां मन के चलो भी हुण दुध डंग वधिया लाई जांदे परिवार दे विच ते 2 महीने खातर आपां नूं मझ खरीदनी पैणी है 2 महीने मन के चलो भी आपां उं भी चल जिथे कोई बंदा नहीं व्यापार का कम या होर 2 महीने बंदा धारा भी लैके डेयरी दे विचों भी धारा मिल जाता तो होर तरह मतलब गां वगैरह रख के भी डंग चल जाता कितने जो अपने पशु का सून के बच्चे 5-6 महीने का बट्टा पै जाए तो 5 महीने आपां नूं ये मन के चलो पशु खड़ा खर्चा खाता पट्ठे वगैरह खाता रहिंदा है तो आप नहीं देख सकते हो पहले नंबर पर झोटी जी अपना नीली रावी अपनी मझ सी जो आप शहर से जम्मू गई सी वो कट्टी है ये सून च रह गए 2 महीने जो बहुत चंगा कद काट तो खीरी कट्टी हैगी 2 महीने सून च पेंडिंग रह गए खीरी मेरे हिसाब से सूपूगी बहुत चंगा वजन वगैरह तो होर देखो अपने कोई पशु नहीं सिर्फ अपने को 3 पशु रखे हुए तो ये नीली रावी माँ 18 किलो तो चोया वा गा रखी भी अपनी तो अगर तीसरे नंबर जेडे आप कट्टी देखते पे आए यह है बदनी वाले बली की जय सिंह सहन की ये माँ का रिकॉर्ड बहुत चंगा सगा 19 लीटर रिकॉर्ड से आप जम की कट्टी परचेज की आप 3 महीने की हुई तो लिया कट्टी तो बाकी जो बली सहन आप धियाँ देखिए कि वीर पंजाब सिंह ने चवाई कराई 23 किलो तो एक मासी आप चवाई देखिए उत्थे बहुत चंगा दुध दिंदी पे होर भी चंगी बली सहन कट्टियां ने बहुत चंगा दुध का रिकॉर्ड बनाया है क्योंकि जोगराज का सहन है बच्चा वो बली सहन बदनी वाला बहुत चंगा सहन मनिया गया वो क्योंकि सहन चंगा मनिया तो जाता क्योंकि दुध चंगा हो जो पशुओं थले क्योंकि अपने पंजाब के बच्चे इतने बरनाली एरिए पहला सहन आ जिसे कट्टिया इन्हें दुध कढ़ दिया पईआं सिंघ जरूर खुला हुंदा बच्चों का देख सकते हो कई बार वीर कहें भी खुले सिंघ वाले तो झोटी रखी बैठा सिंघ तो खुला गा लेकिन पर दुध की आपको चंगी उम्मीद है जे आप यह झोटी पहले सूबे 14 तो 15 किलो दुध कढ़ता 20 किलो वाली मझ बन गई अपने घरों तो आप सिंघ तो लैना की आप दुध पीने का मकसद अपना दुध चंगा दूगी अगर ब्रीड चंगी बन जूगी सिंघ तो आप ही ब्यूटी तो ऐटोमैटिक आ जाने क्योंकि जो दुध की पैदावार चंगी होगी हूँ आप देख सकते मझ वड्डी है सूए के लगभग परचेस की लोहड़ी तो लगभग जी लोहड़ी 10-5 दिन अगे पिछे अपन चौथा सूआ मालक ने कह के दिती सी चौथा भी हो सकती है पांचवा तीजा कुछ मर्जी मर ले क्योंकि आप सूए के मैं तो बाकी अगे तो देखो बिल्कुल पतली ये अपनी सेल नहीं हैगी तो हम बस ड्राई करनी आप करके बनाने का मकसद यही है कि फिर वीर कह दें भी दुध मझ 5 महीने छे महीने देगी तो मैं परचेज की मानसा एरिए तो बहुत चंगा एरिया मनिया गया मानसा सरदूलगढ़ इधर अगर हरियाणा स्टार्टिंग हो जाती है आ देखो मझ तुम पूरी चंकी वीड्डी कद काठ वाली मैं ये 9 दसंबर दिन पूरे अच्छ होगी एक अपना सितंबर अक्तूबर नवंबर 3 महीने सून के बच्चे पे 3 महीने तो 9 दिन पेंडिंग मेरे हिसाब से घट तो घट हूँ पैन दू एक डंग सट के मिलती है बस इस तो बाद आप ड्राई कर लग गए हौली हौली हूँ कि मझ परचेस करनी आप किसी वीर कोई चंकी मैं होदिया इदा की तो आप परचेस भी कर लेंगे तो घर दुध पीने की खातर आप मैं लेनी है चंकी वधिया हूँ
किसी वीर को होगी तो जरूर आप वीडियो वगैरह पा दो, कोई चक्कर नहीं, प्रेस कर परचेज करा आप, तो मैं खर्च चंकी होगी जात पता ली लख सवा लख तक कीमत जे पशु है उस हिसाब से आप इनवैसट कर देंगे। तो ये वीडियो बनाने का मकसद अपने यही है, यही माझी तो आप 9-10 दिसंबर में जाके सूगी तो आप सूंदी भी दिखावे, ये बनाई है वीडियो आप 1 तरीक न भी ये 3 महीने तो 9 दिन सूण च बाकी पे आ हूँ कई बार भीर कहें भी तुम मझ भी 3 महीने सूण च पे 2.5 महीने पे आ, तो चलो आप अगे जो तैयार होगी देखा मकसद सेल करने का विचार बनया तो सेल भी करा, एक तरह का आप प्रूफ तौर पर वीडियो बना के कवर की भी हाँ 3 महीने पहला भाई दुध दिंदी सी, कई बार पशु 5 महीने 6 महीने पहला हट जाता तो हूँ ट्राई करा, तो बाकी जो आप डाइट दें जो दुध इन्ना दिंदी पी आ कुंटल कणक के 25 किलो छोले तो 20 किलो सोयाबीन लेटी बना के लेटी ग्रैंड कर लेने पानी में भौंके सुकी वह पाने डाइट आप सुकी तूड़ी के उपर तो बाकी हरा तो बस जी सन्नी घर नॉर्मल वह खुराक हैगी, कोई आप एक्सट्रा फीड वगैरह नहीं पाते भी आह, तो घर का नॉर्मल चिट्टा कणक का दाना तो बच्चे चौलों की कणकी लै लें आप सीजन वे कुछ घर की होंगी अपने खेती की तो कुछ उदा मन के चलो भी 11-12 रुपये मिल जाते हैं, क्योंकि अजक फीडा के खर्चे वगैरह बहुत वधे पे आ जिहड़े आप मुल की फीड भी परचेज कर देंगे, आपको पता दुकानदार ही है कि उन्हें भी 2 रुपये मुनाफा कढ़ना होंगे गा कम के पिछों, तो सस्ते तो सस्ता सौदा पाने की हर एक बंदे की तमन्ना होंगी है फिर जाके 2 रुपये बनाए जाते हैं, तो आप हाथी फीड तैयार करते हैं घट तो घट आप 25-26 रुपये 27 रुपये पै जाती है, बस लेटी कणक की तो बच्चे छोले तो 1 सोयाबीन 25 किलो आप छोले पाने 20 किलो सोयाबीन दुध वाले पशु आप लेटी पाने बस उ 2 किलो डोंगा मन भ्यौता 2-2.5 किलो वो पानी पै जाता बच्च, तो वो मझ अपने इन्हें दुध कढ़ती पी जाएगी, सही 3 महीने सूण च बाकी आ बस आ नॉर्मल सिर्फ अपने को 3 पशु घर के रखे हुए चंगे दुध वाली आ, क्योंकि मझ रखने का चंगी रखो वधिया तो जी मन के चलो अपना दुध का घर भी पैदावार चंगी होंगी रहे तो बाकी बच्चे वगैरह भी चंगे वधिया दे, तो ये आप बच्चा सेल करता सीगा पहले ही, देखो चवाई वगैरह पूरी चंगी नरम चवाई देगी, हूँ एक डंग चाहे इनू हूँ मेरा मकसद ये भी आप अज तो कल तो भी 3रा डंग 4था डंग करके इदा चोवे मझ जो बाल्टी खड़कती आपदी आप एटोमैटिक रेंगती है, तो इन्नी बहुत चंकी आप मैं खरीदी सी, तो अपना मैसेज यही है लोगों किसान भरावानों कि मझ जो आप खरीदते हैं चलो बाकी अगले की जेब होंगी भी आप 70 वाली लेनी है लख वाली, पर जिते आप 2 रखनी उत्थे 1 लख लो पट्ठे 2 भी पाने आप 1 भी पाने है, पर जब 1 रखा चंकी तो दुध उन्हें एटोमैटिक वधिया देना गा तो बाकी बच्चे वगैरह वधिया दू, तो मेन मकसद आप 70,000 वाली मझ खरीद ली तो उन्हें ऐ मन के चलो भी जिदे गबण होगी 3 महीने 4 महीने हट गई 6 महीने का गैप हों पशु एटोमैटिक चाहे तो आप दाणा भी नहीं पाइए तो 100 रुपया पशु 1 दिन का खा जाता गा बगैर दाणा पाए तो भी लेबर ला के, तो बाकी अपनी जी मझ के पेमेंट रही वह ब्याज ला के भी 5 महीने मझ रुक गई अपने को घट तो घट भी मन के चलो 20-25 हज़ार उन्हें फालतू खा जाना, तो सू के उन्हें उत्थे जाना 70-75-75 वाला पा, तो अपनी मैं देखो बहुत चंगी ये आप कोई सेल नहीं हैगी, तो सेल करने का विचार अपना कोई भी नहीं है, तैयार करके देखा कि परमात्मा दे हत्था, तो देखो कोई हलचल नहीं बहुत चंगी मैं दी है, तो धन्यवाद उस वीर का अपमान साल का जी तो आप मझ खरीदी सी बहुत वीर दे चंगे पशु सके, तो हूँ भी आप वीर को वधिया आने जाना अपना बहुत चंगे वीर को पशु रखे हुए कि अपना गेड़ा लगे जरूर वो पशु कवर करके दिखावे, मानसा चो मझ खरीदी से आप देखो पूरी चंकी कद काठ वाली जान वाली सूह हो मैं 4था-5वां घट तो घट, तो दुध दिया मैंने नदियां बहा दी जमा सो सवेर का टाइम है जिहड़े आप चवाई की है ये दुध 2 डंगा का दुध है, तो तोकड़ मैं थले तो मैं तो वह होंगे कि आप 15 किलो 18 किलो दुध आ, तो गबण हो के मझ उही लत्त मार लग गए बाढ़ी हाथ पानी तो वह फिर दिक्कत आ जाती है, ताजे दुध जरूर 15-16 किलो पशु कढ़ दिंदा, पर पशु सही मैंने वह मनिया जाता भी जिहड़ा पीक लैवल तक लंबा चले भी किन्ना दुध वह दिंदी पी हैगी, तो देखो बहुत गए करम वाली आराम शांत हो गया मझ ने खड़ जाना, तो बाल्टी सवेरे खड़कन दिंदी नहीं मेरे हिसाब से घट तो घट भी इनू कप कप करके हुण इहदी खुराक घटाउणी शुरू करांगे आपां, तो उहदे नाल इहनू ड्राई करांगे फिर अगे, क्योंकि फिर मूहरे जे हुण आपां जिन्नी छेती छड्डांगे तां अगे मतलब मैनू उम्मीद आ वी ऐतकी तां आपां सूई भी परचेज कीती सी ते आपां डाइट प्लान वधिया करता भी घट तो घट ना वाला 18-19 किलो तक दुध आपां इहनू चोवांगे अगे चवाई वगैरह करके आपां देखांगे जी, क्योंकि इस बार जो पशु अगे तो सूए के आया होवे हौली थोड़ा जी घट लाउंदा गा, क्योंकि जिहड़े घर पशु 1 साल रुक जाए उत्थे एटोमैटिक पशु 2 किलो दुध वध दे दिंदा हुंदा गा, तो देखो चवाई वीर ने सारी अपनी कंप्लीट हो गई है जी।
ਸਾ ਦੁੱਧ ਦੇਖੋ ਆਰਾਮ ਨਾਲ 5 ਕਿਲੋ ਦੇ ਲਗਭਗ ਦੁੱਧ ਆ, ਬਾਕੀ ਝੱਗ ਮਾਰ ਕੇ ਮਿਣਨਾ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ ਆ 8 ਕਿਲੋ ਵਾਲੀ ਬਾਲਟੀ ਪਾਉਣੀ, 8 ਕਿਲੋ ਵਾਲੀ 7.5 ਕਿਲੋ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹਾ ਰੱਖਿਆ। ਸੁਪਰ ਇਹ ਸੀਗੀ ਮੱਝ ਆਪਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ, ਆਪਣੀ ਮੱਝ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਬਲੀ ਵਾਲੀ ਕੱਟੀ, ਸਿੰਘ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾ ਦਈਏ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਿੰਘ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦਾ, ਅਤੇ ਪਰ ਕੱਟੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਨਿਕਲੂ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਥੀ ਵਗੈਰਾ ਪਤਲੀ ਅਤੇ ਥਣ ਵਗੈਰਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇਖ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਆ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ ਕੱਟੀਏ ਵੀ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਸਭ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਲਦ ਮਿਲ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ।